उन्होंने अपनी मुट्ठी उस पत्रकार के शरीर से बस 3 इंच दूर रखी और वो आदमी सीधा उस स्विमिंग पूल में जाकर गिरा। क्योंकि आप मणिपूरक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो व्यक्ति बस उड़ जाएगा। ब्रूस ली, आपने उनके बारे में सुना है? वो कोई योगी नहीं थे, ठीक है? तो एक पत्रकार ने आकर उनसे पूछा, अभी भी वो हॉलीवुड में उतने प्रसिद्ध नहीं हुए थे, उन्होंने हॉलीवुड में कदम रखा ही था और बातें हो रही थी क्योंकि उन्होंने कुछ प्रदर्शन किए थे और वो लगभग सुपर ह्यूमन थे, तो बातें हो रही थी। एक पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने आया और उसने ब्रूस ली से कहा, लोग ये सारी बातें कर रहे हैं, मुझे अपनी शक्ति का कोई नमूना दिखाइए। तो ब्रूस ली ने उसे वहां खड़ा कर दिया। वो एक स्विमिंग पूल के पास थे। स्विमिंग पूल 9 फुट दूर था। वो यहां खड़े थे। स्विमिंग पूल का किनारा 9 फुट दूर है। उन्होंने कहा, आप बस यहां खड़े रहिए। और उन्होंने अपनी मुट्ठी उस पत्रकार के शरीर से बस 3 इंच दूर रखी और वो आदमी सीधा उस स्विमिंग पूल में जाकर गिरा। 185 पाउंड का आदमी बस 3 इंच के पंच से सीधा स्विमिंग पूल में जाकर गिरा। बस इतना, इस तरह नहीं, बस इतना ही, क्योंकि आप मणिपूरक का इस्तेमाल कर रहे हैं। The man will just fly. वो व्यक्ति बस उड़ जाएगा। मणिपूरक गतिशील हो सकता है, लेकिन ऐसा करना अच्छा नहीं है। कुछ लोग जो कुछ खास तरह के मार्शल आर्ट्स करते हैं, वो अपने मणिपूरक को गतिशील करते हैं कुछ चीजों का प्रदर्शन करने के लिए। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब आप एक खास तरह से अपने मणिपूरक को गतिमान करना सीख जाते हैं और वो भी प्रदर्शन वगैरह के लिए, सच अ पर्सन विल नॉट लिव लॉन्ग, तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा। मैं ऐसा केवल उनके संबंध में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वैसे भी उनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसा कहना आसान है। ये उस संदर्भ में नहीं है। मासूमियत से उन्होंने इन चीजों को कुछ फिल्मों में दिखाया है। ऐसे योगी हैं जो अपने मणिपूरक को गतिमान करते हैं और चीजें करते हैं। ऐसे लोग कभी भी शारीरिक रूप से नहीं हिलते, वो उसी जगह पर बैठे रहते हैं। जब आपके रख रखाव का केंद्र गति करता है, तो आप अपने भौतिक शरीर को नहीं हिलाते, आप हमेशा उसी जगह पर बैठे रहते हैं। मेरे ख्याल से इन मार्शल आर्ट फिल्मों में से कुछ में मासूमियत से ये जाने बिना कि ये क्या है, उन्होंने ऐसा दिखाया है। कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, कोई गिर जाता है, लेकिन वो हमेशा बैठे ही रहते हैं। क्या आपने ये देखा है? क्योंकि जो व्यक्ति अपने मणिपूरक को गतिमान करता है, उसे अपने शरीर को नहीं हिलाना चाहिए। अगर वो अपने शरीर को यहाँ वहाँ हिलाता है, तो वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा, उसे जाना ही होगा।